हम देखेंगे चित्रा पदानी 1 to 4 इन संस्कृत वर्कबुक। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। आपको ये बॉक्स में जो सही आंसर है वो आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एनिमल इन दिस पिक्चर। ये आपको पिक्चर में बात जो एनिमल दिख रहा है वो कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा फर्स्ट में बी, वृषभ। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ द एनिमल इन दिस पिक्चर, तो सी, गर्दभ। अब देखें थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द एनिमल इन दिस पिक्चर, तो मेष। देन फोर्थ, विच इज द एनिमल इन दिस पिक्चर, तो ए, नकुल। फिफ्थ, विच इज द बर्ड इन दिस पिक्चर, तो काक, क्रॉक है इसलिए। सिक्स्थ, विच इज द एनिमल इन दिस पिक्चर, तो मंडूक। सेवेंथ, विच इज द बर्ड इन दिस पिक्चर, तो सी, चटका, स्पैरो है इसलिए उसका आंसर आएगा सी, चटका। नेक्स्ट एट, विच इज सीन इन दिस पिक्चर, तो उसका आंसर आएगा डी, चुल्ली। अब देखिए आगे नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, तो पुष्पधानी, सी आंसर। नेक्स्ट टेंथ, व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, तो ए, शिवयन यंत्र, यंत्रम। अब देखिए ग्यारहवा प्रश्न, व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, तो विमानम, आंसर बी, विमानम। नेक्स्ट ट्वेल्थ, व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, तो डी, कृष्ण फलक। नेक्स्ट थर्टीन, व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, तो सी, षटकम। ब्लॉक काट है इसे कहते हैं संस्कृत में, शक्टम। नेक्स्ट फोर्टीन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, तो सी, अंकनी, पेन या फिर पेंसिल, ठीक है। व्हाट इज फिफ्टीन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, तो सी, संचिका यानी कि फाइल। नेक्स्ट सिक्सटीन क्वेश्चन, व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, तो बी, पिंजह यानी कि स्विच। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पे आपको जो संस्कृत में वर्ड दिया गया है उसका आपको सही आंसर लिखना है, उसके सामने जो उसका सही मीनिंग है वो लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है वृषभ, तो वृषभ का मतलब शिप होता है या फिर बुल होता है, तो उसका आंसर है बुल। सेकंड, मकर, क्रोकोडाइल या फिर फ्रॉग, तो मकर मीन्स क्रोकोडाइल। नेक्स्ट थर्ड, शाटिका मीन्स व्हाट, ट्रंक या फिर साड़ी, तो साड़ी। उत्पीटिका मीन्स टेबल या फिर बेंच, तो टेबल। उरुकम मीन्स मनी या फिर ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स। नेक्स्ट सिक्स्थ, सक्टम मीन्स मास्टर या फिर ब्लॉक कार्ड, तो ब्लॉक कार्ड। नेक्स्ट सेवन्थ, करदीपह मीन्स डस्टबिन या फिर टॉर्च, तो उसका आंसर आएगा टॉर्च। नेक्स्ट एट, पीपीलिका मीन्स एंट या फिर बकेट, तो उसका आंसर आएगा एंट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट द ट्रू संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें से आपको जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। फर्स्ट, द संस्कृत मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लावर वास इज, ए, स्थालिका, बी, मसीपात्रम, सी, लवित्रम या डी, पुष्पधानी, तो उसका आंसर आएगा डी, पुष्पधानी।
Next, second, the Sanskrit meaning of the word ant is blank. A. Droni, B. Avkarika, C. Pipilika, या फिर D. Chatram. तो उसका आंसर आएगा पिपीलिका. Next, third question, the Sanskrit meaning of the word frog is A. Nakulah, B. Talah, C. Vrushabah, या फिर D. Mandukah. तो उसका आंसर आएगा Mandukah. Next, fourth, the Sanskrit meaning of the word garlic is blank. A. Lavitram, B. Urukam, C. Lashunam, या D. Pushpam. तो उसका आंसर आएगा Lashunam. Fifth, the Sanskrit meaning of the word spoon is blanks. Chanchu, B. Chamasah, C. Droni, या फिर D. Chatka. तो उसका आंसर आएगा B. Chamasah. Next, fourth, write the masculine word ending in a from the following words. यहाँ पे जो पुलिंग शब्द है जिसका अंत होता है अ से, वो शब्द आपको लिखना है. ए. रत्नम, बी. मयूरह, सी. अवकरिका, या डी. घटी. तो उसका आंसर आएगा ए. रत्नम. सेकेंड, ए. स्थालिका, बी. छत्रम, सी. आभूषणम, डी. घटः. तो उसका आंसर आएगा बी. छत्रम. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फेमिनिन वर्ड एंडिंग इन द इन आ फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे जो स्त्रीलिंग वर्ड्स है उसमें से जिसका एंडिंग आ से होता है वो शब्द आपको लिखना है. फर्स्ट, ए. मेषः, बी. लता, सी. चुली, डी. पुष्पम. तो उसका आंसर आएगा बी. लता. सेकंड क्वेश्चन, ए. लोकाय, लोकयानम, बी. दीपः, सी. ग्रंथः, डी. कुंचिका. तो उसका आंसर आएगा डी. कुंचिका. सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द न्यूट्रल वर्ड एंडिंग इन अ फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे जो नपुंसकलिंग वर्ड है उसका एंडिंग अ से होता है वो शब्द आपको लिखना है. ए. संचिका, बी. पुस्तकम, सी. अंकनी, डी. नकुलह. तो उसका आंसर है नकुलह. नेक्स्ट, सेकेंड, ए. पुष्पधानी, बी. काकह, सी. कृष्णफलम, डी. चटका. तो उसका आंसर आएगा काकह. नेक्स्ट, सेवन्थ क्वेश्चन, राइट द फेमिनिन वर्ड्स एंडिंग इन ई फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे जो स्त्रीलिंग वर्ड्स है उसमें से जिसका एंडिंग ई से होता है वो शब्द आपको लिखना है. ए. बालिका, बी. लता, सी. मेषः, या फिर डी. द्रोणी. तो उसका आंसर आएगा द्रोणी. सेकेंड, ए. पेटिका, बी. काकह, सी. छत्रम, डी. नदी. तो उसका आंसर आएगा डी. नदी. अब देखिए क्वेश्चन एट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत. फर्स्ट, दिस इज अ स्नेक. तो उसका आंसर आएगा एषः सर्पः. सेकेंड, दिस इज एन इंकपॉट. एतत् मसीपत्रम, मसीपात्रम. थर्ड, दिस इज अ प्लेट. एषा स्थालिका. यहाँ पे जो एषः, एतत् और एषा है वो आपको पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के हिसाब से आपको लगाना है. यहाँ पे दिस का मीनिंग होता है जो पुलिंग वर्ड है उसमें आप एषः लगा सकते हैं, जो स्त्रीलिंग है उसमें एषा, और जो नपुंसकलिंग है उसमें आपको एतत् लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज अ पीस ऑफ ज्वेलरी. तो उसका आंसर है एतत् आभूषणम. फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज अ स्विच. एतत् पिंजः.